फिल्म इंडस्ट्री में जहां एक तरफ शादियों का सीजन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर्स के तलाक की खबरें भी काफ़ी आम हो गई हैं। वहीं इस फहरिस्त में अब अभिनेता फरदीन खान का नाम भी जुड़ने जा रहा है। जी हां, अभिनेता फरदीन खान अपनी पत्नी नताशा माधवानी को तलाक देने वाले हैं। शादी के 18 साल बाद दोनों की तलाक की खबरों ने फैंस के भी होश उड़ा दिए हैं। हालांकि दोनों कपल्स ने अभी तक डिवोर्स पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। जहां फरदीन अपनी मां के साथ मुंबई में रहते हैं तो वहीं नताशा अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहती हैं। ऐसे में एक साल तक अलग रहने के बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, मगर फरदीन या नताशा में से किसी ने भी अभी तक तलाक की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें कि फरदीन और नताशा की जोड़ी को बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक माना जाता था। फरदीन ने नताशा को लंदन से अमेरिका जाते समय ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट में प्रपोज किया था, जिसके बाद से दोनों की लव स्टोरी ने बी टाउन में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं साल 2005 में दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। फरदीन और नताशा की शादी को बी टाउन की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में से एक माना जाता है। बता दें कि जहां फरदीन मशहूर अभिनेता फिरोज़ खान के बेटे हैं तो वहीं नताशा बॉलीवुड एक्टर मुमताज़ की बेटी हैं। दोनों कपल्स ने साल 2005 में शादी की थी। वहीं दोनों के दो बच्चे भी हैं, फरदीन और नताशा के एक बेटे और एक बेटी है। हालांकि शादी के 5 साल बाद साल 2010 में फरदीन ने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। फरदीन को आखिरी बार फिल्म दूल्हा मिल गया में देखा गया था। दरअसल फरदीन को अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, मगर उन्हें फिल्मी पर्दे पर कभी अपने पिता फिरोज़ खान की तरह सफलता नहीं मिली। प्रेम अगन के बाद फरदीन को फिल्म जंगल, प्यार तूने क्या किया, लव के लिए कुछ भी करेगा, हम हो गए आपके जैसी फिल्मों में देखा गया, मगर ये फिल्में बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि फिल्म नो एंट्री में फरदीन के रोल को काफ़ी सराहना मिली थी। वहीं फरदीन को आज भी नो एंट्री के रोल के लिए पहचाना जाता है। हालांकि जहां एक तरफ फरदीन नताशा के साथ तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं, तो वहीं फरदीन जल्दी ही बड़े पर्दे पर भी कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरदीन हॉरर फिल्म विस्फोट के साथ बड़े पर्दे पर एंट्री करेंगे। इस फिल्म में फरदीन के साथ रितेश देशमुख भी लीड रोल निभाते नजर आएंगे।